आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। इस टॉपिक को यूपीएससी और एमपीपीएससी के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में और दूसरे एग्जाम्स में भी जहां भी इकोनॉमिक्स की जरूरत होती है वहां पर ये टॉपिक जरूर आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक का नाम है। लेकिन ये टॉपिक बहुत बड़ा है और इसको हम कुछ दो या तीन हिस्सों में आपके सामने लाएंगे। तो फिलहाल इस टॉपिक पर जाने से पहले ये बात जरूरी हो जाता है आप लोगों के साथ शेयर करना कि जब भी आप ये वीडियो देखते हैं या हमारे साथ आप साझा करते हैं अपने नॉलेज का, तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लगातार जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो आप तक पहुँचता रहे और जो हमारी खोज परख और हमारा जो अनुभव है उसका लाभ आपको भी मिले और हम आपसे प्रेरित होते रहें। इसी तरह से हम ये भी चाहेंगे कि आप पूरे वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखें और सुनें, जिससे कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपसे छूटे नहीं और जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो आपको ये चीज उपयोग में आ सके। मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमारी इस बात का जरूर अनुसरण भी करेंगे और इस तरह से हमें मोटिवेट भी करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम सीधे इस टॉपिक पर चलते हैं और 1991 की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है जो हमेशा चर्चा में रहती है, हमेशा जब भी आप किसी परीक्षा में जाएंगे तो एक आध क्वेश्चन इस टॉपिक से मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप यूपीएससी या एमपीपीएससी की परीक्षाओं को देखेंगे तो मैं दो तीन प्रश्नों का स्वरूप आपको बता देता हूं। जैसे कई बार पूछेंगे आपको कि बताइए उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। दूसरे तरह से क्वेश्चन कभी पूछना होगा तो वो ऐसे पूछ सकते हैं कि 1991 की नई आर्थिक नीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुधारने की दिशा में अग्रसर किया, यानी हाउ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 अपग्रेडेड इंडियन इकोनॉमिक चैलेंजेस। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 ने किस तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था को उभारने का प्रयास किया। इसी तरह से ग्लोबलाइजेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है और प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर फिलहाल आपको सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जाने से पहले कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी, व्हाट वेयर द सिचुएशंस व्हिच क्रिएटेड द सिचुएशन दैट द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज इंपोज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिंह राव एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो क्या परिस्थितियां थी इसको अगर हम समझ जाएंगे तो स्वतः ही हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991 को समझने में काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, आज हम जिस परिस्थिति में हैं, यानी हमारी अर्थव्यवस्था आज जैसी है उसमें अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, लेकिन आज हमारी अर्थव्यवस्था एक बेहतर स्थिति की अर्थव्यवस्था है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस स्थिति में आने के लिए वो जो 1991 की जो नई आर्थिक नीति थी, जिसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी भी कहते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आज आप देखते होंगे कि अलग अलग कंपनियों की कारें हैं, आज आप मोटरसाइकिल और स्कूटर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखिए तो बहुत सारी कंपनियां आज आपको मिलेंगी। आप टेलीविजन देखते हैं तो आपको दिखेगा बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप कपड़ों के बाजार में जाएंगे तो अलग अलग ब्रांड के कपड़े आपको देखने को मिलेंगे। हर फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, मोबाइल सेक्टर में, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में, हर जगह आज आपको विविधता दिखाई पड़ती है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी काफी बढ़ा है, विदेशी कंपनियों का भारत में भी प्रभाव भी बढ़ा है और विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी भी भारत में बढ़ी है और उपभोक्ताओं तक विविधतापूर्ण वस्तुएं, डाइवर्सिफाइड ऑब्जेक्ट्स पहुंचने की मात्रा भी बढ़ी है। हर सेक्टर में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर हो, चाहे वो एटॉमिक सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर हो, हर सेक्टर में आपको 1991 की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट दिखाई पड़ेगा। तो हमें ये आदर करना चाहिए उस पॉलिसी का जिसके कारण आज
हमारे देश की फॉरेन रिजर्व भी बेहतर है और हम एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व के सामने मौजूद हैं। लेकिन इस परिस्थिति के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार थे जिन्होंने नई इकोनॉमिक पॉलिसी को बढ़ावा दिया, तो उस परिस्थिति को देखिए कि क्या क्या ऐसी सिचुएशन थी। तो 1991 से जस्ट थोड़ा पहले जाइए, 1985 से 90 तक का जो फेज था वो फेज क्या था, तो उस समय लाइसेंस राज और परमिट राज हुआ करता था। लाइसेंस राज और परमिट राज का मतलब ये हुआ कि अगर किसी इंडस्ट्री अगर कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना चाहे, अगर कोई उद्योगपति अपना कैपिटल लगा के कोई इंडस्ट्री लगाना चाहे, तो उन्हें बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे, परमिशन लेने पड़ते थे, और वो एक बहुत ही पेचीदा प्रक्रिया हुआ करती थी। दूसरी बात, उस समय इंपोर्ट की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, हम लोग इंपोर्ट कोई चीज कर नहीं पाते थे बहुत ज्यादा, तो हमारे देश में जो प्रोडक्ट होते थे उसी का इस्तेमाल ज्यादातर हम लोग करते थे और वो सीमित होता था, इसीलिए उनकी कीमतें भी जाता थी। अब आप कहेंगे कि सर इंपोर्ट क्यों नहीं करते थे, तो देखिए इंपोर्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि टैरिफ रेट्स बहुत ऊंचे होते थे, बहुत ऊंचे टैरिफ रेट्स होते थे, जिसके कारण विदेशी सामानों की कीमतें बहुत ज्यादा होती थी जो सामान्य तौर पर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। फिर तीसरी बात यह है कि जो यहां पर ये लेबरिथिन ब्यूरोक्रेसी यानी लेबिरिंथाइन ब्यूरोक्रेसी यानी पेचीदी श्रृंखला, ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की पेचीदी श्रृंखला, लेबिरिंथाइन ब्यूरोक्रेसी, लेबिरिंथाइन ब्यूरोक्रेसी ये स्पेसिफिक टर्म है इसलिए हमने इस्तेमाल किया यहां पर, कि जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत पेचीदी थी। पेचीदा से मतलब यह है कि कोई भी लाइसेंस चाहिए, चाहे पर्यावरण का चाहिए, चाहे भूमि लैंड का चाहिए, या कोई भी इस तरह की चीज जो इंडस्ट्री को लगाने में, उसे चलाने में, उत्पादन को बढ़ाने में, लेबर से रिलेटेड श्रम से संबंधित चीजों को करने में, तो वो ब्यूरोक्रेसी का इतना दबाव होता था कि पूरे जो व्यापार होते थे, ट्रेड होते थे, वो इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक से कर ही नहीं पाते थे। फिर आता है टू सेटिस्फाई 80 एजेंसीज। अब देखिए इसी से रिलेटेड है कि 80 ऐसी संस्थाएं थी कोई उद्योग लगाने के लिए, कोई विस्तृत व्यापार करने के लिए, ट्रेड करने के लिए 80 संस्थाओं को संतुष्ट करना पड़ता था। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि उद्योग कितना उत्पादन करेंगे, हाउ मच दे विल प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, व्हाट विल दे प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेंगे, उसकी कीमत क्या होगी, व्हाट विल बी द प्राइस, ये सब कुछ सरकार के द्वारा तय होता था। यानी कि उद्योग जो होते थे उनको हर चीज के लिए सरकार से परमिशन लेनी होती थी, और इस तरह से कंट्रोल्ड इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी का प्रभाव था। क्लोज्ड इसलिए क्योंकि आप विदेशों के साथ उतना ज्यादा इकोनॉमिक कॉन्टैक्ट नहीं था, उतना ज्यादा इंपोर्ट या एक्सपोर्ट की स्थिति नहीं थी, और लाइसेंस राज का प्रभाव था, यानी हर चीज के लिए आपको सरकारी महकमों से परमिशन और लाइसेंस लेने की जरूरत होती थी, जिसके कारण जो उत्पादों की गुणवत्ता होती थी वो भी उस स्तर की नहीं होती थी, उसकी जो कीमतें होती थी वो भी ज्यादा होती थी, और इन सब स्थिति में जो समस्या खड़ी हुई वो ये कि बैलेंस ऑफ ट्रेड गड़बड़ा गया, यानी भुगतान संतुलन की स्थिति खराब हो गई। भुगतान संतुलन से मतलब क्या है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया, और जो जरूरी चीजें थी उसे तो हमें आयात करना ही पड़ता था, जैसे पेट्रोल है, गैसेज है, या मेडिसिन्स का कोई कच्चा माल है, ऐसी चीजें हमें विदेशों से मंगानी पड़ती थी, और उसके लिए हमें जो है फॉरेन करेंसी की जरूरत होती थी, विदेशी मुद्रा, और विदेशी मुद्रा भंडार जो है इतना कम हो गया कि एक स्थिति ये बन गई कि 15 दिनों तक के लिए भी पेट्रोल हम खरीद सकें ऐसी स्थिति नहीं थी। यह स्थिति जनवरी 1990 में जाकर के इस तरह की स्थिति बन गई, यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ड्रॉप बिलो द लेवल ऑफ इनसफिशिएंट टू परचेज पेट्रोलियम फॉर ए फोर्टनाइट।
हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो कंडीशन थी वो इतनी खराब हो गई कि हम 15 दिनों तक के लिए भी अब पेट्रोलियम खरीद नहीं सकते थे। ये बहुत गंभीर स्थिति होगी। इसके अलावा ये भी स्थिति देखने को मिली कि जो हम कर्ज जो अदा करते थे, यानी कर्ज का जो ब्याज अदा करते थे, चाहे वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, या हमारे जो इंटरनल जो हम कर्ज देने वाले लोग थे उनको जो हम कर्ज की पैसे वापसी करते थे, वो भी करने में हम सक्षम नहीं थे। यानी भारत सरकार का खजाना लगभग खाली सा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज की स्थिति बेहद खराब हो गई। ये स्थिति हो गई कि अगर 15-20 दिनों या महीने भर के भीतर अगर कोई रिफॉर्म न किया जाए या अगर कोई बहुत इमीडिएट कोई व्यवस्था न की जाए तो भारत जो है डिफॉल्टर डिक्लेयर हो सकता था। यानी IMF और वर्ल्ड बैंक भारत को उन देशों की सूची में डाल सकता था जिस जो कर्ज तो लेती है लेकिन उसे वापस नहीं कर सकती थी। ये देश के ऊपर एक धब्बा हो सकता था। ऐसी स्थिति में बहुत तेजी से विचार विमर्श किए गए और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी। वो तो बहुत ही ईमानदार और अच्छे व्यक्ति थे, लेकिन उस समय की जो इकोनॉमिक स्थिति थी उस परिस्थिति में उन्हें कुछ अचानक निर्णय लेने पड़े। और उस समय चंद्रशेखर जी के जो एडवाइजर थे, जो आर्थिक सलाहकार थे, वो थे हमारे जो बाद में प्रधानमंत्री भी रहे और काफी समय तक वित्त मंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय उनके वित्तीय सलाहकार थे और वित्त मंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिन्हा, जो बाद में भी कई बार वित्त मंत्री रहे। तो उस परिस्थिति में प्रधानमंत्री महोदय ने ये सोचा और खासकर जो फाइनेंशियल एडवाइस उनको मिला और जो RBI के उस समय चेयरमैन थे उनकी भी यही मंशा थी कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और हमारे पास एक ही रास्ता बचता है। ऐसे समय में IMF और वर्ल्ड बैंक से भी बात की गई और IMF और वर्ल्ड बैंक ने कुछ बेलआउट पैकेज देने का आश्वासन भी दिया। ये लगभग $7 बिलियन के लोन की बात की गई, लेकिन उससे हमारा पर्पस पूरा हो नहीं पाता था। लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक जब भी कोई लोन देती थी उस समय, आज की परिस्थितियां थोड़ी भिन्न है, लेकिन उस समय जब भी कोई लोन देती थी तो USA का जो है उस पर इंटरफेरेंस जरूर होता था। और ऐसे में एक और परिस्थिति जनरेट हो गई और वो परिस्थिति थी गल्फ वार की, यानी कि खाड़ी युद्ध की। इराक ने अचानक ही कुवैत पर आक्रमण कर दिया और कुवैत पर आक्रमण करते ही भारत का जो गल्फ से जो आने वाला पेट्रोलियम गैसेस और जो दूसरे कच्चा तेल थे उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। अब भारत के पास जितना फॉरेन एक्सचेंज था उसकी फॉरेन एक्सचेंज था वो जो 15 दिन का हम खरीद सकते थे, अब स्थिति ये हो गई कि हम एक सप्ताह तक भी नहीं खरीद पा रहे थे। और उसमें IMF ने अपनी शर्तें लगा दी, कंडीशंस लगा दिया कि हम आपको ये अगर दे रहे हैं तो अमेरिका की कुछ बातें भी आप सुन लीजिए। अमेरिका का ये कहना था USA का कि भाई हमारे जो जहाज है, चूंकि युद्ध में हम शामिल है और कुवैत पर हमला हुआ है, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, इराक के खिलाफ लड़ाई चल रही है, आप हमें जो है ये जो हमारे कुछ फाइटर प्लेन्स हैं उसको आप भारत में उतरने की इजाजत दे दीजिए और वहां फ्यूलिंग करने का मौका दे दीजिए। अब भारत की विदेश नीति पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अब देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी पर इंपैक्ट करने लगी। तो अचानक ये सब परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई, इसके पीछे की कुछ भूमिकाएं थी। तो उस परिस्थिति में थोड़ा धैर्य भी रखा गया और कहा गया कि भाई हमें सोचने का मौका दीजिए। अब भारत की जो विदेश नीति थी उस समय तक थोड़ा गल्फ कंट्रीज के फेवर में थी, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका के साथ एक समझौता भी किया गया, बातचीत की गई, भले ही वो बहुत ज्यादा लाइट में नहीं आती है, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने परमिट कर दिया कि भाई ठीक है, इनको जो है IMF और वर्ल्ड बैंक से जो मदद दी जा रही है लोन के रूप में उनको दे दिया जाए। इसके बावजूद भी भारत को अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए और अपने फॉरेन करेंसी को बढ़ाने के लिए देखिए क्या करना पड़ा। तो पहले 20 टन गोल्ड टू यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा, पहले 20 टन और फिर उसके थोड़े ही दिन बाद 47 टन
47 टन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रिजर्व होता है, और जरूरत पड़ने पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये पावर होता है कि अगर ऐसा कोई संकट आ जाए, अगर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाए, तो आरबीआई इस गोल्ड को प्लेस कर सकता है, यानी गिरवी रख सकता है। तो 47 टन जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जो है गिरवी रखा गया। तो इस तरह से 20 टन एंड देन 47 टन जो है हमारा सोना जो है वो पहले बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड और फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गिरवी रख गया। साथ में आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की कुछ शर्तें भी हमारे ऊपर आ गई कि भाई आप जो अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह से बंद किए हुए हैं, आप ऐसा नहीं चलेगा, आप थोड़ा इकोनॉमी को ओपन कीजिए, कुछ विदेशी कंपनियों को भारत में भी आने दीजिए, इसके अलावा आपके यहाँ जो पब्लिक सेक्टर्स हैं बड़े जो घाटे में चल रहे हैं, हम इतना सारा पैसा इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको कि आप उसमें उन घाटे वाले उद्योगों में उस पैसे को लगा दें, तो आप उस पॉलिसी को भी चेंज कीजिए। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के दबाव, साथ ही गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध, और साथ ही साथ यूएसए की जो के साथ जो फॉरेन पॉलिसी में चेंज आया, उन सब का इंपैक्ट ये हुआ कि जब जनवरी 1991 में गवर्नमेंट चेंज, क्योंकि जो चंद्रशेखर जी की सरकार थी वो ज्यादा लंबी चली नहीं, राजीव गांधी की कांग्रेस की जो का जो समर्थन था उससे वो सरकार चल रही थी, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता की परिस्थिति निर्मित हुई और वो सरकार गिर गई। जब जनवरी 1991 में जब प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी थे, वित्त मंत्री जो है मनमोहन सिंह जी थे, और उस समय ये निर्णय लिया गया कि इन सब परिस्थितियों के को देखते हुए अब हमारे पास कोई रास्ता बचता नहीं है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो इकोनॉमिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी थे, उन्हें काफी लंबा अनुभव भी था उस क्षेत्र में, तो उन्हें वित्त मंत्री जब बनाया गया, और उससे पहले वो फाइनेंशियल एडवाइजर भी रह चुके थे, तो नरसिंह राव जी ने जब उन्हें वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में जब उन्हें रखा, तो उन्होंने जो अपना पहला बजट भाषण दिया, पहला बजट जो रखा, तो उन्होंने से यही कहा कि अब कोई सोच ऐसी नहीं बची है, कोई थॉट ऐसा नहीं है जो हमें इन इकोनॉमिक रिफॉर्म से बचा सके, ये करना हमारे लिए अब जरूरी हो गया है। स्वाभाविक है, उस समय की परिस्थितियों में तमाम ट्रेड यूनियंस ने विरोध भी किए, बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने फिर से एक बार इस बात को दोहराया कि ये परिस्थिति जो है कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ना हो जाए, ये सब विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरसिंह राव ने उन्हें सपोर्ट किया और उन्हें कहा कि आप अपनी आपकी जो इकोनॉमिक थ्योरी है उसके आधार पर आप आगे बढ़िए। साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का जो एक प्रेशर भी था, उसके सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में हमारे सामने, देश के सामने, देश की जनता के सामने आया, और उस पॉलिसी के तहत कई चेंजेस जो हैं वो किए गए। तो यहां पर हमने ये जिक्र किया कि आखिर 1991 की नई पॉलिसी के पीछे के कारण क्या थे और वो किस तरह से हमारे सामने आए। अब सवाल ये उठता है कि 1991 की नई पॉलिसी जो आई तो उसमें क्या था, क्या प्रावधान किए गए। तो देखिए, इसको हमने एक इस डायग्राम में आपके सामने रखा है, इसमें दो बड़े हिस्से थे, देयर वर टू बिग पार्ट्स। द फर्स्ट थिंग वॉज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, पहला जो हिस्सा था वो था स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक बदलाव करना चाहते थे, एंड द सेकेंड वाज द स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म, दूसरा जो था वो स्थायी रिफॉर्म था, स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। अब देखिए, दोनों का मतलब पहले समझ जाएंगे तो आगे समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म था उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का क्या मतलब है। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मतलब ये है कि हमें लॉन्ग टर्म कुछ पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए जो लंबे समय तक अर्थव्यवस्था को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, यानी कि उसको टेक ऑफ की पोजीशन में ले जाए और साथ ही साथ अर्थव्यवस्था जो है सस्टेनेबल इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की जरूरत थी, लेकिन
उस समय जो परिस्थिति थी जिसका मैंने उल्लेख किया, ऐसी थी कि पहले थोड़ा संभालो तो, थोड़ा संभलो तो, खुद को संभालना यह भी जरूरी था। तो उसके लिए शॉर्ट टर्म मेजर्स लागू किए गए, बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को सुधारना। तात्कालिक जो परिस्थिति थी वो ये कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को सुधारना, यानी भुगतान संतुलन की स्थिति को ठीक करना, और वो भी तात्कालिक रूप से। तो वो कैसे ठीक होगा? तो IMF से लोन लेना, वर्ल्ड बैंक से लोन लेना, जो हमारे देश में जो इंटरनल डेब्ट हमें दे सकते हैं जो इंस्टीट्यूशन उनसे प्राप्त करना, और बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो स्थिति खराब है, फॉरेन एक्सचेंज की जो स्थिति खराब है उसको ठीक करना। तो ये स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, और एक बार स्टेबलाइजेशन अगर आ गई इकोनॉमी में तो हमें आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। यानी कि अगर पांव रखने की जगह मिल गई तो धीरे धीरे हमारी जगह भी बन जाएगी और हम आगे भी बढ़ जाएंगे। तो स्टेबलाइजेशन भी करना था और साथ ही स्ट्रक्चरल चेंज यानी रचनात्मक बदलाव भी करना था। तो रचनात्मक बदलाव का मतलब यह हुआ कि प्राइवेटाइजेशन, रचनात्मक बदलाव में था प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन और इसके साथ ही साथ बहुत सारे बदलाव इसके अंतर्गत आए। जैसे देखिए, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के ऊपर तो विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे ही, यहां पर लिबरलाइजेशन के कुछ हिस्से बताए गए हैं। सबसे पहला हिस्सा है डीरेगुलेशन, यानी बहुत सारे जो रेगुलेशन की पॉलिसीज थी, यानी जो लाइसेंस और परमिट राज था उसको कम करने के लिए रेगुलेशन में चेंज करना, तो इसको नाम दिया डीरेगुलेशन। फिर नाम दिया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर जैसे बैंक थे, इंश्योरेंस कंपनियां थी, वो रिजर्व थे। उन वो जो कंपनियां थी कुछ पब्लिक सेक्टर में थे, ज्यादातर पब्लिक सेक्टर में थे, और वो उसमें कोई भी निजी सेक्टर को काम करने का कोई अवसर ही नहीं था। जैसे खासकर इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, और पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर का ही उसमें प्रभाव था। तो यहां पर भी रिफॉर्म करने की बात आई कि भाई ये जो फाइनेंशियल सेक्टर है, इनका जो कैपिटल है, ये लोगों को और ज्यादा कैसे लाभान्वित करेगा, कैसे पहुंचाएगा। तो उसके लिए हमें फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म करना पड़ेगा, यानी कि हमें इस सेक्टर में भी जो कानून है, इस सेक्टर में जो कानून है, जैसे MRTP एक्ट है, या मान लीजिए कोई बैंकिंग से रेगुलेटेड एक्ट है, या इंश्योरेंस से रेगुलेटेड एक्ट है, जिसमें मोनोपोली को बढ़ावा मिलता है, जिससे जो कैपिटल है वो दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। और तीसरा है कि द टैक्स रिफॉर्म, एंड द थर्ड वन इज द टैक्स रिफॉर्म, यानी टैक्स में बदलाव लाना, टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, क्योंकि दो चीजें थी इसमें, एक तो इनकम कम था और एक्सपेंडिचर ज्यादा था। तो इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा, तो क्या होगा, भुगतान संतुलन की समस्या आ जाएगी और डेफिसिट बढ़ जाएगा, यानी कि घाटा बढ़ जाएगा, और घाटा बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, इकोनॉमी को हैम्पर, नुकसान पहुंचाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, है ना, धीरे धीरे इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ जाएगी कि, और फॉरेन करेंसी अगर धीरे धीरे कम होता गया तो मुद्रा स्फीति के साथ साथ मुद्रा का अवमूल्यन भी करना पड़ेगा, यानी एक तरफ इन्फ्लेशन और दूसरी तरफ डीवैल्यूएशन। तो टैक्स रिफॉर्म भी करना पड़ा। टैक्स रिफॉर्म से मतलब क्या था कि आप टैक्स को थोड़ा रेशनल बनाइए, यानी इनकम टैक्स ज्यादा चोरी ना हो, इवेशन ना हो टैक्स की। फिर और क्या चीज करनी चाहिए, तो टैक्स रिफॉर्म, कॉर्पोरेशन टैक्स, इसको रेशनलाइज करिए, यानी कि जो इंडस्ट्री जो है अपने प्रॉफिट पर जो टैक्स देती है उसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि इतना ज्यादा भी मत रखो कि वो प्रॉफिट को छुपाने लग जाए, और इतना कम भी मत करो कि वो जो जितना हमें टैक्स की जरूरत है वो हम कलेक्ट ही ना कर पाए। तो उसको रेशनलाइज करना, यानी टैक्स रिफॉर्म की स्थिति बने। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी हमें कुछ नियम कानून बनाने पड़े, यानी कि विदेशी मुद्रा हमारे देश में आ सके, इसके लिए हमने नियम बनाए। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों को भी हमें इसमें जो जरूरत पड़ी और ये भी हमने किया। इसके अलावा ट्रेड पॉलिसी में भी बदलाव लाने की जरूरत पड़ी, तो ट्रेड पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए इस लिबरलाइजेशन के तहत हमने काम किया। तो इस तरह से
ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज, टैक्स रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, डीरेगुलेशन, ये सब जो है भारत की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के लिबरलाइजेशन के तहत आ गए। अब इसके ऊपर विस्तृत रूप से हम आगे भी आपको बताएंगे, है ना, और वो एक दूसरे आप सेक्शन में आपके सामने आएगा दूसरे वीडियो में, तो आप उसको जरूर आप देखेंगे, क्योंकि लिबरलाइजेशन का जो डिटेल में आपको वहां जानकारी मिलेगी। इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन के रूप में भी आपको बहुत सी वहां पे जानकारी मिलेगी कि आखिर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है और क्या क्या हम चेंजेस करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको बताया जाएगा, और इस तरह से प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्ट्रक्चरल चेंज, स्टेबलाइजेशन, और उससे पहले जो इकोनॉमिक कंडीशन जो भारत की थी, खासकर 1990 और 91 की जो स्थिति थी, उसके बारे में एक जनरल आइडिया यहां पर आपको मिल जाता है। इसके अगले सेक्शन में या अगले वीडियो में आपको ये जो चेंजेस हुए इसको हम डिटेल में लाएंगे।